अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद फासी याद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमने पिछले वीडियो में हमने ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ा था। ब्रैकियल प्लेक्सस से कितनी नर्व्स निकलती हैं, कितनी कॉर्ड्स थी, हमने लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकल नर्व्स निकल रही थी वो हमने डिस्कस की थी। ब्रैकियल प्लेक्सस पूरा ड्रा करना सीखा था। सो गाइस, आज हमने ब्रैकियल प्लेक्सस पार्ट टू है, उसमें हमने जो नर्व्स हमने ड्रा की थी वो हमने जो अपर लिंब में मसल्स पढ़े हैं वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वो कौन सी नर्व किन मसल को इनर्वेट करती है। और उसके बाद हमने अपर लिम्ब की क्यूटिनस नर्व सप्लाई भी पढ़नी है। क्यूटिनस जो स्किन को सप्लाई जाती है, नर्व इनर्वेशन जाती है कि जो जनरल सेंसेशन होती है जिसमें टच आ जाता है, रिसेप्टर आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है, जो चीज़ हम टच करते हैं जो हमने वो क्यूटिनस सप्लाई भी करनी है। और ये मोटर इनर्वेशन मैं पहले आपको बताता हूँ जो कि कौन सी नर्व कौन से मसल्स को इनर्वेट करती है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो हमने निकाली थी वो अगर आपने पिछली वीडियो मेरी ब्रैकियल प्लेक्सस की नहीं देखी तो वो आपको काइंडली जाकर देख लें। डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि ये मैं आपको फार्मूले बनाए हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे याद करने के लिए। जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है वो इनर्वेट करती है जो मिडिल बॉर्डर हमने स्कैपुला में पढ़ा था, जो मिडिल बॉर्डर पे जो स्कैपुला में हमने जो मसल्स पढ़े थे, जो मिडिल बॉर्डर पे मसल्स आ रहे थे स्कैपुला पे, वो तमाम मसल्स को ये इनर्वेट करती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो हमारे मिडिल बॉर्डर पे थे। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमने लेटर कॉर्ड में हमने दो एक लेटर पेक्टोरल नर्व निकली थी और दूसरी मसलों की ट्यूनेट नर्व निकली थी। और एक इसकी ब्रांच निकलती है और उधर से मिडिल की एक ब्रांच निकलती है। ये दोनों एक लेटर ब्रांच और उधर से मिडिल ब्रांच दोनों मिलकर ये एक इंडिविजुअल नर्व बनाती है मिडिल नर्व। वो भी मैं आपको बताता हूँ वो मिडिल नर्व किसको सप्लाई करती है, फर्दर आगे चल के मैं बताऊँगा आपको। सो गाइस, जो लेटर पेक्टोरल नर्व है ये इनर्वेट करती है हमारे पेक्टोरलस मेजर को। और उसके बाद जो मसलों की ट्यूनेट नर्व है ये हमारी जो शाफ्ट थी मैंने आपको बताया था, एंटीरियर शाफ्ट की जो मसल्स बताए थे मैंने आपको, निमोइस बताई थी याद करने के लिए, बीबीसी, ये बाइसेप हो गया, ब्रैकियलिस हो गया, ब्रैकियलिस हो गया, जो मैंने आपको मसल्स बताए थे एंटीरियर शाफ्ट पे जो पाए जाते हैं ये उनको इनर्वेट करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें पोस्टीरियर कॉर्ड की, पोस्टीरियर कॉर्ड का मैंने जो हमने निकाले थे पांच नर्व अल्ट्रा जिनके मैं निमोर से अल्ट्रा करती है, अल्ट्रा से कौन कौन सी, अपर स्कैपुलर नर्व, लोअर स्कैपुलर नर्व, थ्राइकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व जो हमारे हमने निकाली थी। जो अपर स्कैपुलर नर्व है ये जो हमारी स्कैपुला पड़ी थी, स्कैपुला का जो एंटीरियर साइड पे फोसा था जो वह मसल्स पाया बताया था मैंने आपको वो उसको इनर्वेट करती है। और जो लोअर स्कैपुलर नर्व है ये दोनों मिलके एंटीरियर साइड के स्कैपुला को भी इनर्वेट करती हैं, जो पे फोसा एंटीरियर साइड पे फोसा था उस मसल्स को भी इनो जहाँ पे एंटीरियर साइड पे मसल पाया जाता था उसको भी इनोवेट करेगा। और प्लस ये साथ में टीस मेजर को भी जो मसल मैंने आपको बताया था उसको भी ये इनोवेट करेगा। उसके बाद थोराको डोर्सल नर्व हो गई, ये हमारी जो लेटेसमस डोर्सा है जो हमारे ये इन्फीरियर एंगल पे मसल पाया जाता था स्कैपुला पे मैंने आपको बताया था। अगर आपने अपर लिम नहीं पढ़ा तो काइंडली आप वो वीडियो देखें, अपर लिम पढ़ें, उसमें क्लेविकल हो गई, ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, ये सारे आप बोन्स पढ़ेंगे तो फिर फर्दर आपको ये वीडियो समझ आएगी। सो गाइस, आगे करते हैं हम बात रेडियल नर्व की। जो रेडियल नर्व हमारे ये आर्म और पोस्टीरियर साइड की जो आर्म है और फोर आर्म है जितने भी उसके मसल्स हैं पोस्टीरियर साइड के आर्म में और फोर आर्म के उनको इनर्वेट करेगी एक तो, और साथ ही ट्राइसेप मसल को भी इनर्वेट करेगी। उसके बाद ये जो रेडियल नर्व है ये रेडियल ग्रूव से पास होती है मैंने आपको बताई थी, आपने अगर वो पिछली वीडियो मेरी देखें काइंडली आपको समझ आएगी। उसके बाद एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व ये हमारी जो मैंने आपको बताई थी ह्यूमरस पे सर्जिकल नेक मैंने आपको बताई थी वहाँ से पास होती है, जो कि ये हमारे डेल्टॉइड मसल्स और प्लस टीनिस माइनर को इनर्वेट करती है। सो गाइस, अगर हम बात करें मिडिल कॉर्ड की, जो मैंने आपको निमोनिक्स बताई थी यू फॉर्म में एक अल्ला नर्व थी और चार एम से नर्व निकल रही थी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी गाड़ी देख लें। तो मैं बात करता हूँ मेन जो मोटर नर्व, इसके बाद हमने क्यूटिनस सप्लाई पढ़नी है अपर लिम की। मिडिल पेक्टोरल नर्व जो थी वो इनर्वेट करती है पेक्टोरलस मेजर को भी और माइनर को भी साथ साथ, ठीक है, जो कि मिडिल कॉर्ड से निकल रही थी। और उसके बाद इसके एक मिडिल ब्रांच निकलती है और उधर से लेटरल से जो ब्रांच निकल रही थी एक लेटरल ब्रांच लेटरल कॉर्ड से, इन जो दोनों आपस में मिलकर मिडिल नर्व बनाती हैं, जो कि ये इंडिविजुअल नर्व बनाती हैं एक, और जो कि ये हमारी जो फोर आर्म की एंटीरियर साइड पे जो मसल्स होते हैं फोर आर्म के उनको ये सप्लाई करती है लेटरल साइड पे। और ये सिर्फ दो मसल्स को छोड़ के, वो मसल्स कौन कौन से हैं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस, इन दो मसल्स के अलावा जो कि हमारी इंटरमीडियट नर्व जो हमारे एंटीरियर साइड के फोर आर्म के मसल्स हैं लेटरल साइड पे ये उनको इनर्वेट करती है। उसके बाद बात करें हम अल्नर नर्व और मीडियन नर्व,
ये हमारी जो ये मसल रह रहे थे फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपोंडस, ये दोनों नर्व मिलके इन्हीं को इनर्वेट करती हैं, फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपोंडस, ये अल्नर नर्व और मीडियन नर्व इनको इनर्वेट करती है। उसके बाद अगर बात करें, हमने अब है फोरआर्म आर्म और फोरआर्म तो कंप्लीट कर लिया। अगर हम बात करें हैंड की मसल्स की, हैंड की मसल्स के टोटल 20 मसल्स होते हैं जो कि मैंने आप ये 5 लेयर्स में डिवाइड होते हैं। मैंने आपको बताया था हर लेयर में ये चार चार मसल्स कंटेन होते हैं, पाल्मर इंट्रोशिया डोर्सल इंट्रोशिया, इनमें चार 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 पाल्मर इंट्रोशिया चार डोर्सल इंट्रोशिया, और लम्ब्रैकल्स में भी चार आ जाते हैं, थिनार में भी चार मसल्स आ जाते हैं, थिनार पर भी चार मसल्स आ जाते हैं। जो पाल्मर इंट्रोशिया और डोर्सल इंट्रोशिया के जो मसल्स हैं उनको अल्नर नर्व इनर्वेट कर दी है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम लम्ब्रैकल्स की, लम्ब्रैकल्स की जो बात करें जो हमारी डोर्सल और पाल्मर इंट्रोशिया और डोर्सल इंट्रोशिया के दरमियान में थे लेयर्स जो लम्ब्रैकल्स पाए जाते हैं, और लेटरल साइड की अगर बात करें, लेटरल साइड पर जो दो मसल्स हैं उनको मीडियन नर्व इनर्वेट करती है, और जो मीडियल साइड पे जो मीडियन साइड पे जो मसल्स हैं उनको अल्नर नर्व इनर्वेट करती है। और बात करें हम थिनार की जो मसल्स थे उनको मीडियल नर्व इनर्वेट करती है, और बात करें अगर हम हैपोथिनार को, उनको अल्नर नर्व इनर्वेट करती है। सो गाइस, अगर बात करें थिनार के मसल्स की, जो मैंने आपको बताया था थिनार के मसल्स को मीडियल नर्व इनर्वेट करती है, उनमें से सिर्फ एक मसल्स को छोड़ के एब्डक्टर पोलारिसिस ब्रेवियस को जो कि थिनार का मसल्स है इसको इनर्वेट करती है अल्नर नर्व। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपर लिम की सेंसरी नर्व, सेंसरी मीन्स जो हमारी सेंसेशन होती है, जो जिसमें हम जनरल सेंसेशन आती है, टच भी आ जाता है, रिसेप्टर आ जाता है, या कुछ हीट वगैरह आ जाता है, कोई टेम्परेचर भी आ जाता है, तो ये वो हमारी सेंसरी में सेंसरी सेंसेशन में आ जाती है, क्यूटिनस इनर्वेशन में जो कि स्किन को सप्लाई करती है। अगर हम बात करें आर्म की, जो हमारा ये आर्म है जहाँ पे ये हमारी ह्यूमरस वगैरह है आर्म वाला हिस्सा, अगर उसके हमने इंटीरियर साइड पे बात करें तो इंटीरियर साइड पे कौन सी नर्व जाती है, मीडियल क्यूटिनस नर्व सप्लाई करती है सेंसरी। और उसके अगर हम बात करें पोस्टीरियर साइड के आर्म पे तो उसको हम एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। अगर हम बात करें तो मीडियल साइड पे आर्म की, मिडिल साइड पे मिडिल क्यूटिनस नर्व फोर आर्म इसको सप्लाई करती है, सेंसेशन देती है। और उसके बाद अगर बात करें हम लेटरल साइड पे, लेटरल साइड पे हमारा जो डेल्टॉइड मसल्स है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर में और लोअर में। अपर की बात करें, अपर में जो डेल्टॉइड मसल्स है जो ऊपर वाला एरिया, वहाँ पे एक्सिलरी नर्व उसको सप्लाई करती है, सेंसेशन देती है। उसके बाद अगर हम बात करें डेल्टॉइड मसल्स की लोअर में पोस्टीरियर साइड पे, वहाँ पे रेडियल नर्व उसको सेंसेशन देती है, लोअर लोअर डेल्टॉइड पे रेडियल नर्व। सो गैज, अगर हम बात करें फोर आर्म की, फोर आर्म के बारे में, उसको पोस्टीरियर साइड और उसके लेटर साइड, उसकी मिडिल साइड के बारे में बात करें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोस्टीरियर साइड के बारे में डिस्कस करते हैं, पोस्टीरियर साइड की हम ना तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, लेटर साइड पर और मिडिल साइड पर, उनके दरमियान में जो बिल्कुल लेटर साइड पर जो नर्व सेंसरी देती है उसको मसल क्यूटिनस नर्व देती है, सप्लाई करती है, और मिडिल साइड पर मिडिल क्यूटिनस नर्व उसको सप्लाई करती है, जो इनके दरमियान में लेटर और मिडिल के दरमियान में बिल्कुल आ जाती है पोस्टीरियर पे, तो उसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है। अगर बात करें हम लेटरल साइड पे, लेटरल साइड पे हमारी मसलो क्यूटिनस नर्व सप्लाई करती है, और बात करें हम मिडिल साइड पे, मिडिल साइड पे हमारी मिडिल क्यूटिनस नर्व ऑफ फोर आर्म, जो कि मिडिल क्यूटिनस नर्व ऑफ एंटी ब्रेकम भी इसको कह देते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हैंड की, हैंड में जो हमारी सेंसेस इनर्वेशन जाती है एंटी, पहले बात करते हैं हम एंटीरियर साइड की, फिर हम बात करेंगे पोस्टीरियर साइड की। हैंड में अगर बात करें हम एंटीरियर साइड की, अगर आपको ये मेरा हैंड नज़र आ रहा हो तो ये हमारा एंटीरियर साइड है, तो हमारा ये थंब जो है ये लेटर साइड पे है, और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये भी हमारी लेटर साइड पे, और ये हमारी ये लिटिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है ये मिडिल साइड पे है। सो गाइज, अगर ये मेरा, मैं आपको यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई है बेसिकली हैंड की बनाई है, मैं अगर हैंड को मैं इस तरह रखूँ तो ये मेरी लिटिल फिंगर हो गई, ये मेरा थंब हो गया। सो गाइस, आप इमेजिन करना जो कि जो हमारी ये लिटिल फिंगर और जो हमारी ये रिंग फिंगर है उसके दरमियान से जो मिडिल से मीडियम साइड पे है उसको हमारी मिडिल अल्नर नर्व इनर्वेट करेगी, सारे जो बकाया हिस्सा जो लिटिल पार्ट में आ जाता है उसको, लिटिल पार्ट का कुछ हिस्सा जो लिटिल लिटिल फिंगर का, और बकाया ये सारा थंब हो गया, ये बाकी फिंगर्स हो गई, उनको हमारी ये लिटिल मीडियन नर्व इनर्वेट करती है लिटिल साइड पे। उसके बाद जितने भी ये हमारा ये थैली है ये सारी उसको हमारी मीडियन नर्व इनर्वेट करती है लिटिल साइड पे, और जस्ट ओनली जो ये हमारी ये अगर आपको नज़र आ रही है लिटिल फिंगर, जो ये हमारी मीडियन साइड पे है उसको हमारी
या अनुलर इनरवेट करती है मीडियन साइड में। तो हम बात करते हैं अब हम पोस्टीरियर साइड की। सो गाइस हम बात करते हैं हैंड की पोस्टीरियर साइड पे। अगर हैंड की पोस्टीरियर साइड पे हमारी ये हैंड की पोस्टीरियर साइड है जो हमारा ये डिजिटल पार्ट है, यहाँ पे हमारे ये नाखून वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो हमारी सेंसेशन आती है ये मीडियन नर्व सेंसेशन देती है। अगर यहाँ पे हम कोई चीज़ टच वगैरह कोई चीज़ फील ना करें तो इसका मतलब है कि हमारी मीडियन नर्व डैमेज हो चुकी है। जो हमारे पोस्टीरियर साइड पे जो ये हमारी डिजिटल पार्ट है यहाँ पे हमारी मीडियन नर्व सेंसेशन देती है। उसके बाद जो उसका लेटरल साइड है हमारा ये पूरा ये इसका कुछ हिस्सा ये यहाँ से लेटरल साइड जो मैंने यहाँ पे बीच दरमियान में लाइन ड्रा की है ये रेडियल नर्व इसको सेंसेशन देती है, और उसकी जो मीडियन साइड पे है उसको अलग नर्व सेंसेशन देती है। सो गाइज आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हमने अपर लिम की ब्लड सप्लाई कंप्लीट की, आज की वीडियो में हमने अपर लिम की मसल्स इनर्वेशन पढ़ी है, उसके बाद मसल्स की मोटर इनर्वेशन मोटर सप्लाई, और उसके बाद सेंसरी कैविटीनस सेंसरी सप्लाई पढ़ी है, अपर लिम की कंप्लीट की है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने ब्लड सप्लाई कवर करनी है। और आप एक चीज़ में बता दूँ जो कि अपर लिम में हमारे दो मसल्स है, स्टर्नोक्लीडोमस्टाइड मसल एंड ट्रेपीजियस, ये जो कि मैं नेक का मसल है जो कि सुपीरियर क्लेविकल पे मैंने आपको बताया था पाया जाता है, उसके बाद ट्रेपीजियस जो कि लेटरल साइड पे पाया जा रहा था क्लेविकल की, ये दोनों मसल्स इनको एक्सेसरी नर्व इनर्वेट करती है जो कि ये अपर ये जो कि ये नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से नहीं निकलती, जो कि ये क्रेनियल नर्व से क्रेनियल नर्व है जो कि हमारी ब्रेन से ये निकलती है। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके मिलेंगे ब्लड सप्लाई अपर लिम की हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। तो आपने को मुझे सजेशन देनी है तो वो भी मुझे आप काइंडली कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।